नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन कमेटी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हेमंत प्रधान। एसीएफ फॉरेस्ट टीचर के प्रति छात्रों के बढ़ते उत्साह ने निश्चित तौर पे हमें प्रेरित किया है। दोस्तों, हमारी वेबसाइट पर 21 जून को काफी अधिक संख्या में छात्रों के रजिस्ट्रेशन के कारण छात्रों की लगातार मांग को देखते हुए कुछ नए प्रावधान किए जा रहे हैं। दोस्तों, एसीएफ का यह कोर्स अब 3000 की फीस पे 25 जून तक उपलब्ध होगा, किंतु इसके लिए आपको 22 और 23 जून को हमारी वेबसाइट पर आकर निःशुल्क रजिस्ट्रेशन करना होगा। 23 जून के बाद रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको यह कोर्स 3500 पर ही उपलब्ध होगा। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन कम्युनिटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है और मैं हूँ आकाश सिंह। आज इस वीडियो पर हम छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण के अगले भाग पर चर्चा करेंगे, जो कि है चैप्टर 4 और इसका शीर्षक आपको दिख रहा होगा, मूल्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली। अभी तक हमने चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 अलग अलग वीडियो में ख़त्म कर चुके हैं। अब इस वीडियो पर हम चैप्टर 4 को ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहली जानकारी के आधार पर, और पहली जानकारी जो है वो उचित मूल्य की दुकानों से संबंधित है। तो अगर इस पर सीधे हम प्रश्न पर चले आएँ और प्रश्न के आधार पर इसकी जानकारी को हम देखें, तो प्रश्न कहता है कि राज्य में उचित मूल्य की दुकानों की संख्या क्या है। अब देखिए, उचित मूल्य की दुकान क्या होता है, फेयर प्राइस शॉप किसे कहते हैं? ऐसी दुकान जहां पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को अनाज मुहैया कराया जाता है, वो भी कुछ रियायती दामों पे। तो ऐसी दुकानों को हम उचित मूल्य की दुकान कहते हैं या फिर फेयर प्राइस शॉप कहते हैं। और ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आता है। अब संख्या के ऊपर पूछा गया इस प्रश्न पर हम ऑप्शन देखें, तो ऑप्शन हमें देखने को मिलेगा 12,306, ऑप्शन बी दिखेगा 15,305, ऑप्शन सी दिखेगा 10,305 और ऑप्शन डी दिखेगा इनमें से कोई नहीं। इस सवाल के जवाब की खोज के लिए हमें इस चित्र पर जाना पड़ेगा, और इस चित्र पर अगर आप देखें तो अक्टूबर 2019 तक की स्थिति के आधार पर उचित मूल्य की दुकानों की संख्या दी गई है स्पष्ट तौर पर। और बताया गया है कि शहरी क्षेत्र पर अगर उचित मूल्य की दुकानों की संख्या देखें तो 1261 है, और वहीं ग्रामीण क्षेत्र में हम इसकी संख्या देखें तो 11,045 है। और इस प्रकार से अगर दोनों को हम जोड़ दें तो टोटल फेयर प्राइस शॉप की जो संख्या हो जाएगी हमारे राज्य में वो हो जाएगी 12,306। और इस यहां तक पहुंचने के बाद हमें सही ऑप्शन के तौर पर ऑप्शन ए मिल जाता है, 12,306 इसका सही आंसर है। अब इस पर आधारित अन्य प्रकार के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं कि ये 12,306 जो संख्या बनी है इनमें से कौन कौन से या फिर कितनी संख्या अलग अलग वर्गों पर विभाजित हुई है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो सहकारी समितियों द्वारा जो उचित मूल्य की दुकानें संचालित की जा रही है उसकी संख्या 4,381 दुकान है, ग्राम पंचायत द्वारा 4,070 दुकान, और वही महिला स्व सहायता समूह या फिर वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा 3,707 और वन सुरक्षा समितियों द्वारा 122 और नगरी निकाय द्वारा 26 उचित मूल्य की दुकानें संचालित की जा रही है। ये टोटल वैल्यू है हमारे 12,306 उचित मूल्य की दुकानों की जो संचालित की जा रही है अलग अलग संस्थाओं के द्वारा। तो चलिए इसको समाप्त करने के बाद हम अगली जानकारी पर पहुंचते हैं, और अगली जानकारी जो है वो छत्तीसगढ़ के खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम से संबंधित है। देखिए, इस चैप्टर का नाम ही जैसा मैंने आपको बताया सार्वजनिक वितरण प्रणाली, तो यहाँ पर हम इसे कुछ तीन पिलर पर विभाजित करके कवर कर सकते हैं। सबसे पहले पिलर पर हम जो जानकारी देखेंगे वो जानकारी संबंधित होगी कि उचित मूल्य के या फिर जो ये आपका फूड सिक्योरिटी एक्ट है, ये खाद्य सुरक्षा अधिनियम है, इसके लाभार्थी कौन है और इसमें कितना लाभ दिया जा रहा है और कितने लोगों तक या फिर इसका जो बेस है वो कितना ज़्यादा है। दूसरा पिलर होगा जहां पर हम लाभार्थियों को वितरित करने वाली जो ये सामग्री है उसे हम कैसे इकट्ठा करते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि इन दोनों प्रक्रियाओं पर अर्थात आवंटन और जो आप प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, जो आप इकट्ठा कर रहे हैं, इसमें जो पारदर्शिता है, ट्रांसपेरेंसी है, वो किस प्रकार से बनाई गई है सार्वजनिक वितरण प्रणाली में। तो इस तीन पिलर के आधार पर ये चैप्टर हम कवर करेंगे। तो चलिए हम आते हैं इस पर छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 पर। तो अगर आप देखें तो स्वयं का खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है। तो छत्तीसगढ़ 2012 में ऐसा राज्य बना जो अपना खुद का खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किया। और जब आप नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट देखें तो इसकी जो अवधि है जब ये चालू की गई वह 2013 थी। तो अर्थात राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से पहले भी छत्तीसगढ़ में हमने खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू कर दी थी। अब बात करते हैं कि इसमें लाभार्थी कौन होंगे। तो देखिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जो लाभार्थी राज्य के अंदर हम देख रहे हैं उनकी संख्या है 78% जनसंख्या और
टोटल पॉपुलेशन का आप 2 करोड़ इसे समझ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं कि लाभ कितना मिलता है। तो लाभ के तौर पर अगर हम देखें तो लाभ मिलता है 5 किलो प्रति सदस्य के मान से खाद्यान्न की पात्रता निर्धारित की गई है। अब आपको 2 विसंगति देखने को मिलेगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है क्योंकि यहाँ पर तुलनात्मक विश्लेषण किया जा रहा है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के बीच में। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत चावल की उपभोक्ता दर 3 रुपये प्रति किलो है, तो राज्य में इसकी दर कितनी है? तो राज्य में अगर आप इसकी दर देखें तो 1 रुपये प्रति किलो है, अर्थात नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में हम 3 रुपये प्रति किलो के दर से हम खाद्य सामग्री का वितरण करते हुए देखते हैं, तो वहीं राज्य के कानून के आधार पर हम 1 रुपये प्रति किलो के आधार पर इसका वितरण होते हुए देख रहे हैं। और लाभार्थियों की संख्या या फिर जो परिवारों की संख्या है तो वो आप अंत्योदय और प्राथमिकता कार्ड वाले संख्या देखेंगे तो वो है 56.42 लाख परिवार। और वहीं अगर आप सार्वभौम पीडीएस के बारे में देखें, यूनिवर्सल पीडीएस का कहने का मतलब यह है कि राज्य के सभी नागरिकों को क्या किया जाएगा, पीडीएस के माध्यम से सामग्री बांटी जाएगी। हाँ, पात्रता दोनों सबकी अलग अलग हो सकती है उनके सामाजिक और आर्थिक स्थिति के आधार पर। तो जो यूनिवर्सल पीडीएस के आधार पर अगर आप देखें तो जो सामान्य परिवार हैं, जो नॉर्मल फैमिली है, उनके जो लाभार्थी परिवारों की संख्या है वो है 8.54 लाख परिवार। और यहाँ पर किस दर से वितरित की जा रही है, तो 10 रुपये प्रति किलो की दर से चावल प्रदाय किया जा रहा है। तो ये जानकारी इतना देखने के बाद अगला जो हम अपेक्षा करते हैं वो है प्रश्न। अब प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। तो क्वेश्चन कहता है कि छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 से संबंधित कथनों पर विचार कर सत्य कथन का चयन करें, सत्य कथन का चयन करें। तो पहला कथन क्या कहता है? पहला कथन कहता है कि स्वयं का खाद्य कानून लागू करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है। ये कथन सही है बिल्कुल, क्योंकि अभी हमने इसी के बारे में चर्चा की है। दूसरा कथन देखने को मिलता है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के द्वारा राज्य की 78% जनसंख्या को 5 किलो प्रति सदस्य के मान से खाद्यान्न की पात्रता निर्धारित की गई है। तो ये भी अभी हमने देखा पिछले स्लाइड पर कि ये भी सही कथन हमको देखने को मिलता है। और तीसरा कथन अगर हम देखें तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत चावल की उपभोक्ता दर से 3 रुपये प्रति किलो है, जबकि राज्य के खाद्य सुरक्षा कानून में अंत्योदय एवं प्राथमिकता परिवारों को 1 रुपये प्रति किलो की दर से चावल प्रदाय किया जा रहा है। तो अब कूट रूपी ऑप्शन हमारे सामने चले आते हैं और वो हमको देखने को मिलते हैं कि केवल 1 सही, फिर अगर आप देखें तो आपको मिलेगा 1 और 2 सही, फिर उसके बाद तीसरा देखें तो 1, 2, 3 सही और चौथा देखें तो 2 और 3 सही। और क्योंकि ये तीनों ही कथन सही हैं तो हमें सही ऑप्शन के तौर पर मिलता है ऑप्शन सी, और ऑप्शन सी सही बन जाता है क्योंकि इसमें 1, 2 और 3 तीनों कथनों को सत्य कथन बताया जा रहा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अन्य जानकारी पर नज़र डालते हैं। और अन्य जानकारी है सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली या फिर यूनिवर्सल पीडीएस। यूनिवर्सल पीडीएस क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया है कि सभी को कवर किया जाएगा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से, पात्रता सबकी अलग अलग हो सकती है। इसकी शुरुआत कब से की गई, तो इसकी शुरुआत हमें देखने को मिलती है शुभारंभ 2 अक्टूबर 2019 से किया गया। आप कमेंट सेक्शन पर बताएंगे कि 2 अक्टूबर किस लिए महत्वपूर्ण है, ये तिथि हमारे लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है और किस लिए बहुत सारे योजनाओं का शुभारंभ हमें इस तिथि पर देखने को मिलता है। तो चलिए राशन कार्ड वितरण पर भी कुछ नज़र डालते हैं और इस इमेज पर आपको राशन कार्ड की संख्या देखने को मिल जाएगी, जो कि कुल संख्या राशन कार्ड जो वितरित की गई है राज्य में वो है 65 लाख। और अगर इसमें अलग अलग पात्रता के आधार पर राशन कार्ड के वितरण पर नज़र डालें तो हमें अंत्योदय राशन कार्ड दिखेगा 13,95,000 समथिंग, प्राथमिकता वाले राशन कार्ड देखने को मिलेगा 41,95,000, एकल निराश्रित राशन कार्ड दिखेगा 38,000 और अन्नपूर्णा राशन कार्ड दिखेगा 6,000 और निःशक्त जन राशन कार्ड देखने को मिलेगा हमें 9,712 और सामान्य राशन कार्ड हमें देखने को मिलेगा 8,54,000 के आसपास। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन पर ये बताएंगे कि प्राथमिकता राशन कार्ड किन्हें वितरित किया जाता है या फिर लाभार्थी कौन होंगे जो ये प्राथमिकता राशन कार्ड वाले पात्रता के अंतर्गत आते हैं। साथ ही साथ अंत्योदय के बारे में भी बताएंगे, अन्नपूर्णा राशन कार्ड के बारे में भी आप बताएंगे कि इनके लाभार्थी कौन है जो पात्रता धारण किए हुए हैं।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर उसके बाद हम देखते हैं आवंटन की, यहाँ पर सामग्री के आवंटन के बारे में कुछ जानकारी। देखिए यहाँ पर आपको चावल, शक्कर, नमक, चना, ये चार चीज़ दिए हुए हैं। तो पहले तो प्रश्न यही पूछा जा सकता है कि क्या क्या आवंटित किया जाता है सार्वभौम वितरण प्रणाली के माध्यम से, तो आप बताएंगे चावल भी, शक्कर भी, नमक भी, चना भी। फिर उसके बाद आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि 2019-20 सितंबर तक के अवधि तक जो ये सामग्री आवंटित की गई है उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा किस सामग्री की है, तो आप आँख मूंद कर चावल को टिक कर देंगे या फिर इस पर अवरोही क्रम पर आधारित भी प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रश्न मैंने इस पर बनाया नहीं है, लेकिन आप इस तरीके से पैटर्न पर प्रश्न खुद तैयार कर सकते हैं इस राशन सामग्री के आवंटन पर आधारित। तो चलिए अब हम आते हैं कि राशन जो आवंटित किया जाता है उसे इकट्ठा कैसे किया जाता है, अर्थात कुछ हम बात करने वाले हैं कि कृषि उपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के द्वारा जो ये हम अनाज किसानों से खरीदते हैं, हम अर्थात सरकार। तो सबसे इम्पॉर्टेंट और पहला लाइन आपको देखने को मिलेगा कि खरीफ वर्ष 2018-19 में 15.71 लाख किसानों से समर्थन मूल्य पर 80.38 लाख टन धान की खरीदी की गई है। ये दोनों ही फैक्ट जो रेड कलर पर आपको देखने को मिल रहे हैं, ये दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस पर आधारित प्रश्न पहले भी पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना बिल्कुल बनती है। दूसरा जो कथन हमको देखने को मिलता है वो ये है कि किसानों को समर्थन मूल्य रुपये प्रति क्विंटल कितना करोड़ रुपए, तो 20,095 करोड़ रुपए धान का समर्थन मूल्य एवं राज्य शासन द्वारा जारी प्रोत्साहन का भुगतान किया गया है। तो कितनी राशि का भुगतान किया गया है, तो 20,095 करोड़ रुपए। अब इस वर्ष के बारे में जानकारी क्या दी गई है, तो इस वर्ष किसानों से 3,413.62 क्विंटल मक्का की खरीदी की गई तथा 58.03 लाख रुपए का भुगतान किया गया है मक्का की खरीदी के लिए। तो ये तीन जानकारी आपको मिल गई है। आपसे पहले जो प्रश्न पूछा जाएगा कि खरीफ वर्ष 2018-19 से संबंधित कि कितने लाख किसानों से कितना धान खरीदा गया है। फिर दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपसे पूछा जा सकता है वो ये है कि कितना रुपए दिया गया है किसानों को। फिर उसके बाद आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है मक्का से संबंधित। तो देखते हैं कि हम इस पर आधारित किस प्रकार का प्रश्न यहाँ पर निर्मित किए हुए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके सिफारिशों पर तय किया जाता है। ऑप्शन के तौर पर आपके सामने सबसे पहले ऑप्शन पर है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद, दूसरा है कृषि उपज एवं मूल्य आयोग, तीसरा है नाफेड और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ये जवाब आपको इस चैप्टर के न्यूनतम समर्थन मूल्य वाले पैराग्राफ के सबसे पहले ही लाइन पर देखने को मिल जाएगा कि ये कृषि उपज एवं मूल्य आयोग की अनुशंसा या सिफारिश पर तय किया जाता है, और इस प्रकार से दूसरा ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन बन जाता है। फिर उसके बाद जो प्रश्न इसमें पूछे जा सकते हैं वो ये है कि खरीफ वर्ष 2018-19 में किसानों से समर्थन मूल्य पर कितने धान की खरीदी की गई थी। ऑप्शन के तौर पर यहाँ पर आपको दिख रहा है और सबसे पहले लाइन पर ही इसका जवाब देखने को मिलता है और हम सही ऑप्शन के तौर पर ऑप्शन ए तक पहुँच जाते हैं कि 80.38 लाख टन यहाँ पर खरीदा गया है धान। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब अन्य जानकारी के तौर पर हम देखते हैं पारदर्शिता या ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, क्योंकि ये जो पूरी कहानी है कि लोगों से या फिर किसानों से अनाज को खरीदना और फिर उसके बाद उसे रियायत वाली दाम पर हम लोगों तक मुहैया कराना सार्वजनिक वितरण प्रणाली से, इसमें पारदर्शिता होना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि इसमें जो लोग जुड़े होते हैं या फिर जो इसमें जो चेन या जो साइकिल बना होता है वो काफ़ी बृहद तौर पर बना होता है, और अगर इसमें पारदर्शिता नहीं होगी तो ऐसी पूरी संभावना है कि यहाँ पर लीकेजेस देखे जा सकते हैं और जिस उद्देश्य के लिए ये सारी योजना चलाई जा रही है वो उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी या फिर लाभार्थियों को लाभ नहीं मिलेगा और सरकार के बहुत ज़्यादा यहाँ पर राशि भी भ्रष्टाचार में समाप्त हो जाएंगी। तो इसलिए पारदर्शिता इसमें होनी बहुत ज़रूरी है। अब पारदर्शिता जैसे ही आपने सुना तो पारदर्शिता लाने का सबसे जो आसान तरीका है वो है डिजिटलाइजेशन या फिर कंप्यूटर का इस्तेमाल करना। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि PDS ऑनलाइन व्यवस्था कब से शुरू की गई, अर्थात PDS में ऑनलाइन सारी चीज़ों का यहाँ पर व्यवस्था करना, अर्थात डेटा को
इकट्ठा करना और फिर उसके बाद उस डेटा के आधार पर जब भी धान लोग ले जाएं, लाभार्थी ले जाएं, तो उनका थंब इम्प्रेशन लेना, ये सारी चीज़ ऑनलाइन के साथ कब अटैच की गई, तो इसका प्रारंभ किया गया है 2007 में। डेटाबेस कहाँ से है, तो समस्त जितने भी उचित मूल्य की दुकानें हैं राज्य में 12,306 उन सभी के डेटा इसमें सम्मिलित किए गए हैं और आवंटन प्रारंभ कर दिया गया था ऑनलाइन व्यवस्था के माध्यम से जनवरी 2008 से। तो 2007 से इसमें कार्य प्रारंभ हुआ और फिर उसके बाद इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है या फिर जो इससे लाभ हम पहुंचा रहे हैं ये 2008 में शुरू किया गया। फिर उसके बाद हम बात करते हैं चावल उत्सव की और ये माह फरवरी 2008 से प्रारंभ की गई। कमेंट सेक्शन पर आप मुझे बताएंगे कि चावल उत्सव क्यों मनाया जाता है या फिर इसका अर्थ क्या है, और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कई बार पूछा गया है चावल उत्सव कब से मनाया जाता है या फिर इसकी शुरुआत राज्य में कब से की गई है। कॉल सेंटर की अगर हम बात करें तो कॉल सेंटर कब से शुरू किया गया, तो जनवरी 2008 से कॉल सेंटर संचालित किया जा रहा है और इसका टोल फ्री नंबर भी है। अब इस कॉल सेंटर या इस नंबर पर आप क्या कर सकते हैं, तो इस नंबर पर आप जानकारी ले सकते हैं, आप यहां पर शिकायत कर सकते हैं, आप सुपरविजन कर सकते हैं, तो आप कॉल करके पीडीएस संबंधित कोई भी बात जान सकते हैं इस नंबर पर जब आप फ़ोन करेंगे तो। और अगर कोई शिकायत करना है किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या फिर भ्रष्टाचार के बारे में तो भी आप इस कॉल सेंटर या इस नंबर पर कॉल करके बता सकते हैं। अब जन भागीदारी वेबसाइट पर बात करें, ये भी पारदर्शिता के लिए है कि राज्य शासन का एक नवीन प्रयोग है ये, कोई भी नागरिक इस वेबसाइट में अपना निःशुल्क पंजीयन करा सकता है। तो इस प्रकार से ये जो 4-5 चीज़ आप देख रहे हैं वो सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए बहुत ही उपयुक्त है और इसी कारण से पूरे देश में हमारे राज्य की पीडीएस व्यवस्था को सराहा जाता है और जब रैंकिंग यहाँ पर बनाई जाती है तो शीर्ष स्थानों पर छत्तीसगढ़ की पीडीएस व्यवस्था हमेशा देखने को मिलती है। तो चलिए अब इस पर आधारित प्रश्न हम देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथन का चयन करें। तो पीडीएस में ऑनलाइन व्यवस्था का प्रारंभ वर्ष 2007 में किया गया और दूसरा कथन कहता है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कंप्यूटरीकरण का कार्य वर्ष 2008 में प्रारंभ किया गया और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन सामग्री के वितरण की नियमित निगरानी के लिए फरवरी 2008 से चावल उत्सव प्रारंभ किया गया है। तो अब कूट रूपी आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं और वह है केवल एक, ऑप्शन बी 1 और 2, ऑप्शन सी 1 और 3 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अब अगर आप देखें तो दूसरा जो कथन है, दूसरा कथन हमें यहाँ पर गलत देखने को मिलता है क्योंकि इसका प्रारंभ 2007 से ही कर दिया गया था और इसलिए हमारा सही उत्तर बनता है ऑप्शन सी 1 और 3, दोनों सही। चलिए अंत में, ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट है क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, जितने हैं वो यहाँ पर करा दिया हूँ। हाँ, एक चीज़ और ध्यान पर कि अलग अलग प्रकार के अनाजों पर जो समर्थन मूल्य हैं उसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण पर जो मूल्य दिए गए हैं ये आउटडेटेड हो चुके हैं, तो इसे आपको लेटेस्ट वाला अपडेटेड वाला पढ़ना है क्योंकि अपडेटेड वाला ही मुख्य रूप से एग्ज़ाम पर पूछा जाता है। तो आर्थिक सर्वेक्षण पर जो समर्थन मूल्य अनाजों के दिए गए हैं उससे ज़्यादा लेटेस्ट वाले आंकड़े आप इकट्ठा करें और उसे आप तैयार करें आगामी परीक्षाओं के लिए, जैसे कि ACF और फॉरेस्ट रेंजर। अंतिम जो यहाँ पर स्लाइड है वो आधारित है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए और ये जारी किया गया गैस कनेक्शन कितना है, तो 29.06 लाख BPL महिलाओं को। प्रश्न आप लोगों से ये है कि BPL महिलाओं अर्थात महिलाओं को ही ये वितरित क्यों किया जा रहा है, अर्थात गैस कनेक्शन वितरित करने के लिए महिलाओं को लाभार्थी का पात्रता क्यों बनाया गया है, तो ये आप मुझे बताएंगे और मैं जानना चाहूँगा कि कितने वृहद तौर पर आप इस उज्ज्वला योजना को समझ पाएँ। तो इस प्रकार से महत्वपूर्ण आंकड़ों के साथ ये वाला चैप्टर भी हमारा समाप्त होता है। अगले वीडियो पर हम आगामी चैप्टर को कवर करेंगे। धन्यवाद। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।